कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। निधन से पहले शाम 5 बजे राजीव एक निजी चैनल की डिबेट में अपने घर से ही ऑनलाइन शामिल हुए थे। डिबेट के दौरान राजीव बार बार अपने सीने पर हाथ रख रहे थे और पानी पी रहे थे। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त राजीव डिबेट में होते थे उस वक्त उनके कमरे में कोई भी नहीं जाता था। बुधवार को जब वो डिबेट पे चर्चा कर रहे थे उसी वक्त पड़ोस के कमरे में उनकी पत्नी संगीता और बेटा धनंजय भी टीवी पर उन्हें देख रहे थे। टीवी पर उन्हें बार बार पानी पीते और सीने पर हाथ लगाते हुए देख उन्हें कुछ शक हुआ। डिबेट खत्म होने से चंद सेकंड पहले संगीता राजीव के कमरे में गई तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वो असहज महसूस कर रहे हैं। इसके बाद राजीव कुर्सी से गिर गए। तुरंत पड़ोस से डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उन्हें CPR दिया और हॉस्पिटल ले जाने को कहा। इसके बाद परिवार के लोग राजीव को लेकर कौशाम्बी के यशोदा हॉस्पिटल पहुंचे। इस बीच यशोदा हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने राजीव त्यागी के निधन पर अहम जानकारी भी शेयर की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में हॉस्पिटल के डॉक्टर ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। राजीव त्यागी जी लाइव डिबेट में थे अपने घर पर और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। उनके फैमिली मेंबर्स ने देखा कि अनकॉन्शियस है। उन्होंने वहां पे कुछ कार्डियक मसाज दिया, CPR दिया और वो हमारे पास अराउंड 6:30 आए। तो जब हमारे पास आए तो अनकॉन्शियस थे, अनरिस्पॉन्सिव थे, ब्लड प्रेशर और पल्स नहीं था। हमने हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ACLS प्रोटोकॉल, एडवांस कार्डियक लाइफ केयर प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली CPR स्टार्ट किया। उनको वेंटिलेटर पे लिया, वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया और 45 मिनट तक हमने CPR इंजेक्शन, ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है हमारी, वो सब दी। CPR देने के बावजूद, वेंटिलेटर पर लेने के बावजूद, आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ CPR वो क्रैश कर गए। ये इनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। सडन कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि हार्ट अटैक होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं। उस वजह से इनकी डेथ हुई। यशोदा हॉस्पिटल से मिली जानकारी के मुताबिक त्यागी को करीब 6:15 बजे हॉस्पिटल लाया गया था। जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। रात करीब 8 बजे राजीव के परिजन उन्हें लेकर घर गए। वहां उनका शव शीशे के बॉक्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। देखिए संदीप भाई, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बीच डिबेट में ही जब ये मुझे खबर मालूम पड़ा उसके बाद से मैं डिबेट भी सुन नहीं पा रहा था। मैं विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। अब से चंद घंटों पहले 5 बजे मेरे साथ वे डिबेट में थे, मुस्कुराते हुए डिबेट में थे और पूरे हेल्दी नजर आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही। हम भले ही टीवी पे लड़ते हों ये अलग विषय है, मगर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है और मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या कहूं। अक्सर हम मिला करते थे और मैं बताऊं, ये सब इनके आम के बगीचे थे और हर किसी को, चाहे आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, सबको आम खाने पे इनवाइट करते थे, आम खिलाते थे। मैं आज सिर्फ गोविंद से इतना ही प्रार्थना करूंगा, जन्माष्टमी है, कि हे गोविंद, अब हमारे इस मित्र को अपने चरणों में स्थान देना। ये अविश्वसनीय है, ये अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। वाजपेयी जी भी बैठे हैं, हम सब कितनी बार न जाने चाय पिए होंगे आपके स्टूडियो में बैठकर। बिल्कुल, और आम की आपने मुझे पता नहीं, इस बार आम, क्योंकि आम पार्टी नहीं कर पाए तो घर में आम भेजे उन्होंने बाकायदा, और एक बार नहीं दो दो बार भेजे। लोकदल से अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले 50 साल के त्यागी 2006 में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए। तब से वो अलग अलग भूमिकाओं में थे। कुछ साल पहले उन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी। राजीव त्यागी को कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं में से गिना जाता था जो अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कहना जानते थे। फिलहाल वो यूपी कांग्रेस में महासचिव, वो प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी भी देख रहे थे। 20 साल के अपने राजनीतिक सफर में राजीव त्यागी प्रदर्शनों के सिलसिले में 5 बार जेल भी गए। राजीव त्यागी को लेकर एक बात और कही जाती है कि राजीव अपने करीबियों को आम बहुत बांटते थे। दरअसल राजीव के घर में आम का बगीचा था। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दुख जताते हुए कहा कि त्यागी विचारधारा के प्रति समर्पित नेता थे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने आज अपना एक बब्बर शेर खो दिया है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।